कई शिक्षा पदाधिकारियों ने शीतकाल प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ नहीं किया, कई जिलों ने कर दिया। तो हम लोग इसकी शिकायत को लेकर शिक्षा निवर्तमान शिक्षा मंत्री और उस समय के निवर्तमान जो अपर मुख्य सचिव थे उनके पास गए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है और ऐसे में अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है कि स्कूलों का जो समय होगा वो 6:30 से लेकर के 11:30 तक होगा, लेकिन ऐसे में भी बदलाव नहीं हो रहा है। और इसको लेकर के भी एक पत्र MLC संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री को लिखा है और क्या कुछ उस पत्र में है और क्या कुछ पत्र के माध्यम से उन्होंने शिक्षा मंत्री को कहा है या फिर जानकारी दी है, इसको लेकर के बातचीत करते हैं MLC संजय सिंह से ही। तो सर, पत्र आपने लिखा है, हीट वेव जो चल रहा है अभी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अधिसूचना भी जारी की गई है, देखिए ये तो रूटीन मैटर था। चूँकि शिक्षा विभाग ने 2019 में, चूँकि पूर्व से भी यह परम्परा रही कि गर्मी के दिनों में विद्यालय हों, महाविद्यालय हों, विश्वविद्यालय हों, वो जब हीट वेव चलने की संभावना दिखती है तो उसके पहले प्रातःकालीन सत्र वर्गों का कर दिया जाता था और ऐसा होता रहा था। लेकिन 2019 में जब कई शिक्षा पदाधिकारियों ने शीतकाल प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ नहीं किया, कई जिलों ने कर दिया, तो हम लोग इसकी शिकायत को लेकर शिक्षा निवर्तमान शिक्षा मंत्री और उस समय के निवर्तमान जो अपर मुख्य सचिव थे उनके पास गए और हम लोगों ने कहा कि ये अधिसूचना आपकी पूर्व से चली आ रही है और आप ऐसा करते भी रहे हैं, फिर इस बार क्यों नहीं हुआ। तो 2019 में पुनः नए सिरे से निदेशक माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा ने एक अधिसूचना जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी छुट्टी के पहले अप्रैल के प्रथम सप्ताह के सोमवार से स्कूल प्रातःकालीन सत्र में चलेगा, प्रत्येक वर्ष ये व्यवस्था रहेगी और स्कूल का समय होगा 6:30 से 11:30। इस बार तो लगातार एकाएक जिस ढंग से गर्मी बढ़ रही है, लू की स्थिति है, लू जैसा अभी मौसम आ गया है और लगातार मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, मौसम विभाग के जो फोरकास्टिंग हो रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि हीट वेव बहुत जल्द आने की संभावना है और इस बार पूरे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है, इतनी गर्मी पड़ेगी। और वैसी स्थिति में भी विभाग ने जो प्रातःकालीन सत्र चलता था विद्यालयों का, उसको रोक रखा है, 9 से 5 बजे तक ही विद्यालय चले हुए। समझ सकते हैं कि इस गर्मी के समय में बच्चों की क्या स्थिति, छोटे छोटे बच्चे 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12 के बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे और लौटते होंगे और स्कूल में रहते होंगे। और यह भी एक सोचने की बात है कि बिहार के विद्यालयों की जो आधारभूत संरचना है वह ऐसी नहीं है कि इस हीट वेव से बच्चों को स्कूल में रखकर बचाया जा सकता है, नौ आधारभूत संरचना है, नौ इस गर्मी से बचने के लिए सभी स्कूलों में सही ढंग से पंखा है, न अन्य सारी व्यवस्था की कमी को देखते हुए हम तो सर कल शिक्षा मंत्री से मांग किए हैं कि अगर इसमें कोई किसी ढंग का हादसा होता है छोटे बच्चे के साथ तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से हम मांग करते हैं अपने इस मेमोरेंडम के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, कि आप यथाशीघ्र प्रातःकालीन सत्र स्कूल का कर दें 6:30 से 11:30। और फिर गर्मी की छुट्टी होनी है, उसमें भी अपर मुख्य सचिव ने अपने तरीके से बच्चों के लिए बंद कर दिया, कमज़ोर बच्चों के लिए कहा शिक्षक आके उसको 2 घंटा पढ़ाएंगे, ये नौटंकी कर रहे हैं, केवल नौटंकी है। और शिक्षक जिस ढंग से प्रताड़ित हो रहा है, जिस ढंग से भयभीत है, आप एक शिक्षक से सही शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं जब वह कष्ट में है, भयभीत है, आतंकित है, तो उससे कभी भी
आप शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये सुधार के नाम पर विभाग का करोड़ों, हम तो देखे स्वराज चैनल में संतोष कुमार सिंह जिस ढंग से 60,000 करोड़ का घोटाले की बात वो कर रहे थे कि 2 दिन में विभाग ने 60 करोड़ रुपया को लुटा दिया। सही माने में शिक्षा विभाग में एक बड़ा रैकेट चल रहा है और हम तो हतप्रभ हैं कि एक तरफ विश्वविद्यालय के सारे PL अकाउंट, बैंक अकाउंट को सीज कर लिया गया, जो राशि विश्वविद्यालय को भेजी जा चुकी थी, अकाउंटेबिलिटी का भी मामला बनता है। और आज के पेपर में देखे हैं कि कई विश्वविद्यालयों से करोड़ों करोड़ रुपया उस PL अकाउंट और यूनिवर्सिटी के खाते से विभाग ने अपने पास मंगा लिया है। यह तो राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता होगा जो आज के दिन बिहार में शिक्षा विभाग में हो रहा है। क्या लग रहा है सर, मनमानी हो रही है? क्योंकि जैसे अधिसूचना जारी की गई कि हर वर्ष प्रतिवर्ष यही होगा और इसके बाद भी समय में बदलाव नहीं किया जा रहा है, हीट वेव ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे में तो दिक्कत बच्चों को होगी ना? बिल्कुल हो रही है। और इसी को देखते हुए हमने कल जाकर शिक्षा मंत्री से सारी बात कह के और कहा है कि यथाशीघ्र आप इसको प्रातःकालीन सत्र में स्कूल की समय सारणी आप बदलें और सभी को निर्देशित करें। और शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन मिला है कि हम इसको देखते हैं, बात लोग अपने अधिकारियों से बात करके ये करेंगे। बड़ा मुद्दा जो है वो MLC संजय सिंह उठा रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की तो चर्चा हो रही है, लेकिन ये बड़ा अहम मुद्दा है समय को लेकर के, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और ऐसे में समय में अगर बदलाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हीट वेव चलने की जो बातें कही जा रही है, और अभी आप देखेंगे ये बड़ा अहम मुद्दा है समय को लेकर के, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और ऐसे में समय में अगर बदलाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हीट वेव चलने की जो बातें कही जा रही है, और अभी आप देखेंगे कि तापमान में जितनी बढ़ोतरी हो रही है तो उससे कोई भी अनहोनी हो सकती है या फिर कोई भी घटना घट सकती है। और ऐसे में पत्र भी लिखा है MLC संजय सिंह ने और मुलाकात भी किया, आश्वासन मिला है कि इस पर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।